मैं रिक्शा चालक हूँ, 25 साल पहले से मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अब उसके बाद देखो, अब कोई इनकम नहीं हो रहा है, रिक्शा का किराया भी चढ़ गया है। मालिक को किस तरीके से मैं पैसा दे दूंगा? क्या रिक्शा लेकर के भाग जाए या बेच दें यहाँ से? किस तरीके से अपना जीवन यापन करूँ ये भी बताइए। कितने दिनों से आप रिक्शा चला रहे हैं? करीब करीब 25 साल हो गए। 25 साल पहले आप कितने पैसे कमा लेते थे रिक्शा? पहले कमाई हो जाती थी, मेरे पास परिवार भी है। अच्छा। और यहाँ कोई कमाई नहीं हो रही, रिक्शे का किराया भी नहीं निकल पा रहा, खुराकी कहाँ से मिलेगी? अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है और आपकी जो है पैसे कम होते हैं, तो फिर कैसे आपका परिवार कैसे चलता है आपका? अब परिवार इधर उधर से जैसे कहीं उधार ले लिया, कहीं किसी से कर्ज ले लिया, इसी तरीके से चल रहा। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं, केवल खाने के लिए हैं बस, और स्कूल। तो आप क्या चाहते हैं भविष्य में, वो क्या बनेंगे? वो भी रिक्शा चलाएंगे या पढ़ेंगे? आप क्या देखना चाहते हैं? अब जैसा हो सके, जो किस्मत में होगा, क्या बताएं। जाना मैम, आप खुद आओ। और ये कितने दिनों से रिक्शा चला रहे हैं? 10 साल हो गए रिक्शा चलाते चला। क्या फ़र्क आया 10 सालों में और अभी में? नहीं, पहले नालों ज़्यादा कमाई थी, अब नालों कुछ कम हो गई है। फिर रिक्शा बैटरी वाले रिक्शा चल गए, ऑटो चल गए, और जब हम आए थे तब खाली नालों वो चलते थे नालों, टैक्सी वो ये टेम्पो वम्पू खुद नहीं चलते थे, अब सारे साधन चल गए। अभी कितने पैसे हो जाते हैं? अरे पैसे दिन भरे में मान के चलाओ कि रिक्शा वक्शा किराया और निकाल के 150-200 रुपये बच जाते हैं रोज। पहले कितने पैसे होते? पहले बहुत पैसे बचते थे, 300-400 रुपये, 500 रुपये ले बच रहा है पहले। महंगाई भी कम थी, महंगाई भी ज़्यादा हो गई और इनकम छोटी हो गई। फिर कैसे रह पाते हैं आप लोग, कैसे सर्वाइव करते हैं? अब ये है, मजदूरी तंदूरी करते हैं, नहीं पैसा भाई तो अगला से आज ले लिया, फिर कमाए धमाए फिर दिया तुमको, ऐसे धंधा चलाते हैं भाई, क्या करें। और फुटपाल पे रहते हैं यहाँ। कितने दिनों पर घर जाते हैं? अरे 20-22 दिन के बाद घर जाते हैं। और घर पर जाते हैं तो बच्चे लोगों के लिए क्या लेकर जाते हैं? कमा करके ले जाते हैं। कितना पैसा ले जाते हैं? अरे 20 रोज के बाद गए तो 12-1300 रुपया लेकर गए, 1400। जब बच्चे को लेकर पैसा जाते हैं तो आटा दाल चावल यही सब खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता बच्चों के लेते हैं। हर जगह बड़ा है, बैटरी वाले चले गए रिक्शा, ऐसे चले गए, बड़ा फर्क पड़ गया, खर्चा पूरा चलन ना पा रहा, सब परेशानी। आगे बढ़े कैसे? छोटा हो गया 20 साल चला हो सकता। अरे फर्क बहुत बड़ा है, वो वक्त बच जा रहा है 200-300-400 तक, आप 100 रुपये में महीना में। परिवार सब जैसे तैसे चलते काम चलावा जा रहा है, दाल परिवार से और बच्चे परिवार से कर्जा लेते हैं, तब ब्याजा पर कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा लेकर चलता है। और बच्चे पढ़ाई करते हैं घर में? हम बच्चे पढ़ाई कहाँ कर रहे थे, कम एक दिन गए एक दिन नहीं गए, जब पी रहे नहीं तो पढ़ाई कहाँ करी। और क्या कर? हाँ रिक्शा चला। कितने दिनों से? 4 साल से चला रहा हूँ। क्या परेशानी हुई घर में जो आप रिक्शा चला रहे हैं? परेशानी बहुत है। क्या जैसे? देते रहता हूँ, दवाई कराता हूँ, माता पिता बीमार रहते हैं। कितने पैसे हो जाते हैं? बीमार 150-200 रुपए में से 150-200 कहाँ चलिए। तो कितने दिनों से रिक्शा चला रहे हैं? 5 साल से। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी बहुत है, जैसे दादा रिक्शा छूट जाए, कोई और काम मिल जाए तो कोई पैसा आवे लगे तो बहुत ही बढ़िया है। रिक्शे से परिवार नहीं चल पाता? कहाँ चल पाता, पहले चलता था। क्या 200 रुपया कमा मिलते? 200 रुपये पहले कैसे कमाते थे, कितना कमाते थे? हाँ 400 हो जाता था। भूखे सोए कभी? कितने दिनों भूखे सोए? क्या करेंगे, बच्चे भी भूखे सोए? क्या सोएंगे?